सो फ्रेंड्स, गर्मियों ने दस्तक दे दी है हमारे स्किन पे। काफ़ी सारी अगर एक्ने की प्रॉब्लम पहले से है तो बहुत सारे डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं और इन गर्मियों में ये बहुत ज़्यादा विजिबल भी होने लगते हैं। और हमें ये भी डर लगता है कि जब हमारी ह्यूमिडिटी का सीज़न आएगा या फिर गर्मियों में हमें पसीना आएगा तो उसकी वजह से हमारे एक्ने ना हो जाएं। तो इस वीडियो में मैं आपको शेयर करूँगी 2 से 3 रेमेडीज़, जिसमें मैं आपको ये शेयर करूँगी कि आपके एक्ने जड़ से ख़त्म हो गए अगर आप इसको कंटिन्यूस यूज़ करते हैं। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वेलकम टू माई चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको शेयर करूंगी फेस वॉश, फेस स्क्रब, फेस सीरम एंड बहुत सारे ऐसे टिप्स जो कि आपके डार्क स्पॉट्स को कम करेगा। सो फ्रेंड्स, एक टाइम ऐसा था जब मुझे भी बहुत सारे पिंपल्स होते थे, मोटे मोटे दाने हो जाते थे, बार बार हाथ लगाने का मन करता था, उनको फोड़ने का मन करता था, साथ ही साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी। सो जैसे कि आप सब भी जानते हैं कि जैसे कि गर्ल्स प्यूबर्टी की स्टेज में होती हैं तो उस टाइम पर आपको एक्ने पिंपल की प्रॉब्लम बहुत होती है। मैरिज से पहले बहुत ज़्यादा होती है, बच्चे होने के बाद थोड़ी सी कम होने लग जाती है, एज के साथ थोड़ी कम होने लग जाती है, या फिर कह सकते हो आप टीन एज में जब बच्चे होते हैं तब इस एक्ने की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है। सो यहाँ पे मैंने बहुत सारी रेमेडीज़ यूज़ की हुई हैं अपने टाइम में, जिनको मैं बताती हूँ आप लोगों को भी और अपने फैमिली वालों के साथ भी यूज़ करती हूँ, सो दैट कि हम नेचुरल तरीके से अपनी एक्ने को ट्रीट कर पाएँ। सबसे पहले आपने यूज़ करना होता है भरपूर पानी पीने के लिए। यस, पूरा अपने पानी भरपूर पीना है, जिससे कि टॉक्सिन्स तो निकलते ही हैं आपके शरीर के, आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहती है। हाइड्रेटेड रहने की वजह से आपकी स्किन ग्लोइंग भी होती है और साथ ही साथ गर्मियों में जो हमें पसीने से सीबम की प्रॉब्लम होती है वो ठीक हो जाती है। सो पानी से 80% आपकी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है, ये मेरी गारंटी है। आप इसको पी के देखिए, पानी पीजिए भरपूर और 1 महीने के अंदर आपकी स्किन में फ़र्क नज़र आएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, आप फ्रेश फ्रूट्स ज़रूर खाएं, आप फैट वगैरह नहीं खाएं। मेरे साथ ये होता था कि जब मैं ऑयल से बनी हुई कुछ चीज़ें या फिर आप कह सकते हो फ्राइड कुछ चीज़ें खाती थी तो अगले दिन मेरे मोटा सा पिंपल निकल आता था, जो कि बहुत गंदा लगता था और उसको फिर क्योर करने में हफ्तों लग जाते थे। सो फ्रेंड्स, ऐसा आप करें ही नहीं, क्योंकि वो तो आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है, तो आपकी स्किन के लिए किसी भी तरह से वो अच्छा नहीं है आपके लिए। सो आप उसको अवॉइड कर सकते हैं, आपकी हेल्थ आपके हाथों में है, कोई प्रेशर करता है, फ्रेंड है, फैमिली है, सो यू कैन हल्का फुल्का खाइए, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं कि आपको नुकसान पहुँचाए। आपने ईटिंग हैबिट्स को हेल्दी बनाना है। उसके बाद फ्रेंड्स, मैं प्रेफर करूँगी कि आप रोज़ वाटर या एलोवेरा जेल में से कोई भी, या फिर दोनों, दोनों लगा ही लो, कोई भी नहीं, दोनों ही लगाना है, ठीक है। आपने रोज़ वाटर एंड एलोवेरा जेल दोनों ही यूज़ करने हैं सुबह और शाम, आपके एक्ने में 20% इफ़ेक्ट नज़र आएगा। सिंपल सी चीज़ें हैं, कंटिन्यूस करनी है तभी रिजल्ट आएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, फेस वॉश सबसे ज़्यादा मेन होता है हमारा। फेस वॉश आपने इस तरीके का यूज़ करना है जो आपके स्किन को सूट करे, क्योंकि एक्ने जिसकी स्किन में होते हैं उसमें थोड़ी सी सेंसिटिविटी भी होती है, स्किन सेंसिटिव होती है और हमें डर भी लगता है कि कौन सा फेस वॉश यूज़ करें। सो हल्का सा ऐसा फेस वॉश यूज़ करना चाहिए आपको जो कि आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ड्राई ना करे, पोर्स को क्लीन करे और आपकी स्किन को भी क्लीन करे। सो यहाँ पे होममेड अगर आप फेस वॉश की बात करते हैं तो टमाटो प्यूरी इज़ परफेक्ट फॉर योर डार्क स्पॉट्स। सो अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्ने नहीं है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें विटामिन सी होता है, ये आपके एक्ने के स्पॉट्स को रिमूव कर देता है। सो आपने लेनी है प्यूरी एंड देन हनी, मिक्स करिए, फेस के ऊपर लगाइए। सो यू कैन सी कितना ज़्यादा फेस भरा हुआ है ये एक्ने से। बच्चे हैं, सुनते नहीं हैं, हाथ लगाते हैं, फोड़ते हैं, गेम खेलते हैं, बैठे बैठे हाथ लगाएंगे, तोड़ेंगे, तो वो फैलता रहता है। सो आपका स्किन, आपकी हेयर, आपकी हेल्थ आपके हाथों में है। हम सजेस्ट कर सकते हैं, हम आपको बता सकते हैं, करना आपको ही है। सो थोड़ा सा कंसंट्रेट रहिए अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए। सो आप उसको हाथ मत लगाइए, आप फोड़िए मत और धीरे धीरे वो ठीक हो जाएंगे। सो इस तरीके से आपने फेस के ऊपर लगाना है इसको और छोड़ देना है 5 मिनट के लिए, और फिर इसको वॉश कर सकते हैं नॉर्मल पानी के साथ। फर्स्ट एप्लीकेशन में ही काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कंटिन्यू यूज़ करने से आपके डार्क स्पॉट्स धीरे धीरे कम हो जाएंगे।
उसके बाद आपने यूज़ करना है फेस मास्क। सो फेस मास्क बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है बेसन। बेसन आपके पास घर में इजीली अवेलेबल हो जाएगा। अगर आपके बहुत मोटे मोटे दाने होते तो आप बेसन मात यूज़ करिएगा, या फिर आधा चम्मच बेसन एंड आधा चम्मच आपने मुल्तानी मिट्टी यूज़ करनी है। उसके बाद आपने उसमें डालना है नीम पाउडर। नीम पाउडर ज़रूरी है। नीम पाउडर एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज से भरा हुआ होता है जो आपके एक्ने को रिमूव करता है, साथ ही साथ आपके एक्ने की स्कार्स को भी कम करता है। उसके बाद उसमें डालना है हमने हनी। थोड़ा सा हनी डालेंगे और थोड़ा सा रोज़ वाटर डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे, फेस के ऊपर लगा लेंगे। इसको आप एज ए स्क्रब यूज़ कर सकते हैं अगर आपके मोटे मोटे दाने नहीं हैं। अगर आपके थोड़े से लाइक बहुत मोटे दाने हैं या फिर आप स्क्रब करते टाइम थोड़ा सा दर्द होता है या आपको लगता है कि उसमें हमें नहीं यूज़ करना चाहिए, तो आपने इसको एज ए फेस पैक लगाना है। अदरवाइज़ इसको हल्का माइल्ड स्क्रब भी कर सकते हैं और स्क्रब करने के बाद इसको वॉश कर दीजिए। फेस पैक के जैसे यूज़ कर रहे हैं तो इसको 10 मिनट के लिए रखिए और फिर इसको फेस को वॉश कर दीजिए। ये स्टेप आपने हफ्ते में 2 बार करना है, वीक में 2 टाइम्स करना है बेस्ट रिजल्ट्स के लिए। उसके बाद आपको एक मैजिकल फेस मास्क शेयर करती हूँ जिसमें हम यूज़ करेंगे एप्पल साइडर विनेगर। उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि करंटली मैं यूज़ कर रही हूँ ये सैटन का बाय GHC, जिसमें है अल्फ़ा आर्ब्यूटिन, कोजिक एसिड, हाइलरोनिक एसिड, एलोवेरा, 30 ml का है, जो कि स्पेसिफिकली आपके डार्क स्पॉट्स एंड पिगमेंटेशन के लिए बनाया गया है। अल्फ़ा आर्ब्यूटिन जो है ये आपके सन स्पॉट्स को फेड करता है, पिगमेंटेशन को रिमूव करता है और उसकी अपीयरेंस को कम करता है। हाइलरोनिक एसिड आपके वाटर मॉलिक्यूल को होल्ड करता है आपके सरफेस, स्किन की सरफेस में, जिससे कि आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहती है। एलोवेरा जेल आपके स्किन को सूदन अप करती है और साथ ही साथ ये आपके स्किन में बहुत ही कूलिंग सेंसेशन देती है जो कि लॉन्गर टाइम के लिए रहती है। कोजिक एसिड है जो कि आपको एंटी एजिंग इफेक्ट से फाइट करती है और एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ होने की वजह से ही ये आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देती है। बहुत ही अच्छे इंग्रेडिएंट्स होने की वजह से इसको कंटिन्यू यूज़ करने पे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। यूज़ करने के लिए आपने अपने फेस को वॉश करना है और उसके बाद शेक करना है इसको। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं वाटरी, लाइक यू कैन से वैसे तो वाइट कलर की है लेकिन कंसिस्टेंसी काफ़ी अच्छी है सिरम के जैसे। इसको फेस के ऊपर लगाना है आपने, सफिशिएंट अमाउंट लेके सर्कुलर मोशन में लगाएंगे और इसको फिर फेस के ऊपर छोड़ देंगे कम से कम 1 घंटे के लिए। सो फ्रेंड्स, इसमें आपको पैच टेस्ट करना ज़रूरी है। हाइलुरोनिक एसिड दिया गया है, सो अगर आपकी एक्ने की प्रॉब्लम है, डार्क स्पॉट्स की प्रॉब्लम है, तो थोड़ा सा पैच टेस्ट ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि हर किसी की स्किन अलग होती है। सो ये है ₹799 का डिस्काउंट पे आपको ये मिल जाएगा। नीचे लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करने से आपको ये डिस्काउंट पे अवेलेबल हो जाएगा। सो बेस्ट रिजल्ट्स के लिए आप इसको डेली यूज कर सकते हैं। सो नेक्स्ट फ्रेंड्स, अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्ने की प्रॉब्लम है तो आपने यूज़ करना है नीम पाउडर। सबसे पहले आपने लेना है नीम पाउडर। नीम पाउडर मस्ट है अगर एक्ने की प्रॉब्लम है। सुन लो, बार बार बोल रही हूँ, नीम पाउडर लेके रख लो, नहीं तो ड्राई कर लो घर पे बनाया हुआ, बहुत अच्छा होता है। नीम पाउडर लेना है, चंदन पाउडर लेना है थोड़ा सा, उसके बाद उसमें डालना है हनी थोड़ा सा एंड देन थोड़ी सी हल्दी डालनी है और फिर 2 से 4 बूंदे आपने एप्पल साइडर विनेगर की डालनी है। अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसको एज ए फेस मास्क यूज़ करना है। ये इसमें दरदरापन नहीं होगा, बिल्कुल हल्का सा लगेगा आपको। अगर बेसन वाला फेस पैक नहीं यूज़ करना चाहते हैं क्योंकि अगर एक्ने बहुत ज़्यादा हैं तो आपको स्क्रब करने में, उसको उतारने में प्रॉब्लम होगी, तो आप इस नीम वाले फेस पैक को यूज़ कर सकते हैं। इसको भी आपने वीक में 2 बार यूज़ करना है। भरपूर पानी पीजिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए, हेल्दी चीज़ों को यूज़ करिए, साथ ही साथ इन लाइक अपनी स्किन और हेयर और हेल्थ के लिए खुद का ध्यान रखिए। सो आई होप आपको रेमेडीज अच्छी लगी होंगी और ये प्रोडक्ट भी अच्छा लगा होगा। लिंक सारे डिस्क्रिप्शन बार में दिए गए हैं। आगे मिलते हैं अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा। आई विल ट्राई टू गिव यू सॉल्यूशन। टिल देन बाय, टेक केयर।